करिश्मा जो लिपस्टिक लगाए वो ले जाओ, करीना जो ये नेल पॉलिश लगाए वो ले जाओ, रस्ते का माल सस्ते में, दस रुपए में, दस रुपए में, दस रुपए में हर चीज। आइए आइए बहन जी आइए, शिल्पा के धाम में ऐश्वर्य की लाली, आइए आइए। ये ठेला कहाँ लगा रहा, धंधा खराब कर रहा है, हटाए कैसे? क्यों हटाऊं, पूरे पैसे दिए लगाने को। पैसे भाटिया को? भाटिया वो मोटा नरक पालिका का दलाल? दलाल नहीं मुसद्दी लाल, एजेंट बोलो, एजेंट। अरे काहे का एजेंट, हफ्ता वसूलता है, इल्लीगल दुकानें लगवाता है। अरे तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है, तुमसे थोड़ी ना लेता है। मुझसे कैसे लेगा, मेरे पास तो लाइसेंस है नरक पालिका का। एक बार नरक पालिका के चक्कर में फंसे मुसद्दी लाल तो लाइसेंस वैसे धरा रह जाएगा। अरे एक बार रेट बढ़ गई ना तो पता चलेगा तेरे को। अरे आ गई नरक पालिका की गाड़ी, अब मरोगे तुम सारे के सारे। आजा 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 आजा, लीजिए लीजिए बहन जी, आप देखिए, आप चिंता मत कीजिए। अरे 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 मेरे सामान तो छोड़ो, उठा लो उठा लो, इनका सामान सबका सब इलीगल है। इसका भी उठाओ। अरे मेरा क्यों भाई, चलो पटेल। अरे अरे मेरा सामान कहाँ ले जा रहे हो, अरे मेरा तो लीगल है भाई। अरे मेरा तो ऐसे नहीं ले जाने दूंगा मैं अपना सामान, ऐसे कैसे ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, पिए लो। अरे भाई मेरा सामान तो लीगल है। लीगल पर भाटिया साहब, हमने तो पूरे पैसे दिए हैं। तो हम कब कह रहे हैं कि नहीं दिए, तो फिर हमारी दुकान क्यों ले आए? अरे भाई दिखाना पड़ता है, ऊपर का काम कर रहे हैं, वरना पब्लिक को लगेगा कि नरक पालिका खुद ही अनऑथराइज कब्जे कराती है। वो तो कराती है। हम कब कह रहे हैं कि नहीं कराती है, लेकिन ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, फीलिंग बहुत जरूरी है। पर हमारा सामान मिल जाएगा कब? अरे जब आप लोग 1,000 रुपए जमा करा दिए। हमने तो हफ्ता दिया, ये महीने का है। हमने महीना भी दिया है। अरे ये 6 महीने का है। क्या? हाँ भाई 6 महीने तक आपका सामान उठाने कोई नहीं आएगा। यानी उसके बाद आएगा? अरे फीलिंग यार, अभी समझाया ना, फीलिंग कितनी जरूरी है। और भाटिया साहब जब आपको पता होता है कि ये लोग आने वाले हैं तो आप हमें पहले से नहीं बता सकते, हम अपना सामान हटा ले? फिर रियलिटी की फीलिंग कैसे आएगी? अभी बता रहा हूँ कि फीलिंग कितनी जरूरी है। अब हमें फील हो रहा है कि आप लोग अपनी दुकानें वापस नहीं चाहते। नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहते, चाहते नहीं नहीं चाहते, तो फील कराओ ना हमको। लीजिए अंदर अंदर, एक एक करके लिख के दो कौन कौन सी दुकान का है, एक एक करके। ऐसे कैसे खुलाओ? ये लो लाओ, हम गिन लेंगे। हाँ हाँ ये लो, बब्बल बंगाली, मिगू मोची और गंगू गुप्ता को छोड़ के सबका है। तो तीनों को छोड़, सबको बोलो सामान छोड़ के दुकान ले जाए। सामान सामान उषा जी पहले ही बेच चुके हैं फोन पे। लेकिन एक बिरयानी का स्टॉल भी था। हाँ था। तो बिरयानी कहाँ है? पटेल से मिलो, रखी है तुम्हारे लिए। अच्छा अच्छा, मैं अभी आता हूँ। ये लीजिए। क्या ये? इस बात का सबूत है कि मेरी दुकान लीगल है। आप कौन है? मुसद्दी लाल धूत। हाँ मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता। भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा नाम मुसद्दी लाल धूत है, मेरी दुकान का लाइसेंस है ये। तो ये हमें क्यों दिखा रहे हैं? आप ही उठा के लाए थे ना सारा का सारा सामान, तो आप ही को दिखाऊंगा ना मैं। देखिए ये सब हम नहीं देखते हैं, उषा जी देखती हैं। वो कौन है? हेड क्लर्क। हेड क्लर्क है? यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। हमें क्या पता कहाँ है? तो दिखा दीजिए ना। वो देखो, दिखी वो जो इस तरफ देख रही है। हाँ वही भाई साहब, वो तो मेरी तरफ देख रही है। मेरी तरफ क्यों देख रही है? मैंने कहा ना वो देखती है। वो? 2 डजन नेल पॉलिश 250 रुपए। तो 5-5 रुपए में मिलती है, इतनी महंगी खरीद ली? एक नेल पॉलिश 50 रुपीज ओनली, और महंगी 10-10 रुपए मिलती है। हाँ ठीक है बाय। क्या है मैडम, ये चीजें आपने बहुत ज्यादा महंगी खरीद ली है, तो 10-10 रुपए में मिलती है। अच्छा हाँ। तुम्हें कैसे पता? मेरी दुकान है इन सब चीजों की। मैं सेम, बिल्कुल एकदम सेम लिपस्टिक बेचता हूँ, सेम नेल पॉलिश बेचता हूँ, सेम सेम फील हो रहा है मुझे। आप भी सेम सेम चीजें बेचती हैं? अरे कब से बेच रही हैं आप? अभी से। अभी से मतलब रोज बेचती हैं? नहीं कभी कभी। कभी कभी कब कब? जब तुम नहीं बेचती। मैंने तो, मैं समझा नहीं। तुम्हें समझाने की तनख्वाह मिलती है मुझे? नहीं तो। तो फिर काम बोलो क्या है। देखिए मैडम बात यह है कि मेरी दुकान का सामान उठा के ये लोग ले आए हैं समझ के इलीगल है, लेकिन मेरी दुकान लीगल है। ये देखिए मेरा लाइसेंस। पप्पू पहलवान है नाम आपका? जी नहीं, मेरा नाम तो मुसद्दी लाल धूत है। किसका भूत है? किसी का भूत नहीं मैडम, मुसद्दी लाल धूत है मैडम। पर ये लाइसेंस तो पप्पू पहलवान का है। वो मेरे ससुर थे। अच्छा तो दुकान उनकी है? नहीं दुकान तो मेरी है। दुकान तुम्हारी है, लाइसेंस इनका है, क्या मतलब दहेज में मिली थी क्या? 5 पैसे नहीं लिए थे दहेज में मैंने, बस ये दुकान संभाल ली है। पर ये मामला कॉम्प्लिकेटेड है। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मैडम, मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार आदमी हूँ, मेरे ससुर की मौत के बाद मैंने ये दुकान संभाल ली, इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या है? नहीं ये नहीं हो सकता है ना, लाइसेंस किसी और का हो और गाड़ी कोई और चलाए, ये इल्लीगल है बाबा। गाड़ी नहीं चला रहा हूँ मैडम, मैं तो दुकान चला रहा हूँ। वही नहीं चला सकते। पर क्यों नहीं चला सकता? तुम एक काम करो ना, बड़े हिसाब से मिलो। ठीक है मैडम, मैं आपको ठीक तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। पिछले 15 साल से मैं ये दुकान चला रहा हूँ।
यही तो 15 साल से जो गलती कर रहे हो वही आगे करना चाहते हो? नहीं तो फिर सुधरते क्यों नहीं? मैं सुधरता क्यों? देखिए देखिए मैडम, देखिए मैं कुछ नहीं देख सकती। देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, मैं कुछ नहीं सुन सकती। मैडम समझने की कोशिश कीजिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो किसको समझाऊं? बड़े साहब को। बड़े साहब? हाँ बड़े साहब। कहाँ मिलेंगे? अंदर केबिन में। जी सर, पूरे 50,000 की रिकवरी हुई है सर। जी सर, मेंटेन करेंगे ना सर। बाय गॉड सर, थैंक यू सर। अरे शुक्ला तुम? हाँ शुक्ला हम। बड़े साहब कहाँ हैं? बड़े साहब हम ही हैं बड़े साहब। तुम बड़े साहब हो? हाँ हम ही हैं बड़े साहब। तुम बड़े साहब हो तो भी चपरासी कौन है? क्या? नहीं नहीं बड़े साहब, बात ये है कि वो उषा जी कह रही थी कि ये लाइसेंस नहीं चलेगा। क्या करें, चलेगा चलेगा, एकदम ओरिजिनल लाइसेंस है, चलेगा। भाई तो मैं कह रहा था कि ये तो बिल्कुल चलेगा। देखो पप्पू पहलवान, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। थैंक यू वेरी मच, लेकिन मेरा नाम पप्पू पहलवान नहीं है, मेरा नाम मुसद्दीलाल धूत है। तो फिर ये पप्पू पहलवान क्यों लिख दिया? ये मेरे ससुर का नाम है। दुकान किसकी है? जी मेरी। लाइसेंस किसका है? ससुर का। ससुर किसके हैं? जी मेरे। आप किसके हैं? मैं अपनी बीवी का। आपकी बीवी किसकी है? जी मेरी बीवी मेरी है। ना हमें तो डाउट है। अरे डाउट क्या है शुक्ला जी, मेरी बीवी मेरी है। नहीं हमें आपके बीवी पे डाउट नहीं है। तो किसकी बीवी पे डाउट है? भैया बीवी पे नहीं डाउट है, किसी दूसरे के लाइसेंस पर कैसे दुकान चला सकते हो? दिस इज रॉन्ग ना। किसी दूसरे का कैसे? मेरे ससुर का लाइसेंस है, मैं चला रहा हूँ ना। ये गलत है। पर क्यों गलत है? कल को पप्पू पहलवान आके कंप्लेन कर दे तो? आपको भूत प्रेत में विश्वास है? नहीं। तो पप्पू पहलवान कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। पप्पू भाई भूत है? मरने के बाद तो आदमी भूत हो ही जाता है ना, तो पप्पू पहलवान मर चुके हैं। क्या जी? पूरा मामला कॉम्प्लिकेटेड है, लाइसेंस के चक्कर में ससुर का कत्ल। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, फीलिंग तो यही आ रही है कि उनके मरने के बाद आपने दुकान पर कब्जा कर लिया। नहीं नहीं, देखिए देखिए शुक्ला जी, बात यह है कि पप्पू पहलवान की एक जड़ी बूटियों की दुकान थी, उसके पास में ही मेरी लेडीज आइटम्स की दुकान थी अनऑथोराइज्ड। तो पप्पू पहलवान की मौत के बाद बेबी पहलवान उनकी बेटी उनकी दुकान पर बैठने लगी, तो बेबी पहलवान का कभी कभार मेरी दुकान पे आना जाना होने लगा, कभी वो लिपस्टिक लगाने आती थी, कभी नेल पॉलिश वगैरह। तो जरा हम दोनों का थोड़ा इश्क हो गया, तो हम दोनों की शादी हो गई, तो दोनों दुकानें एक हो गई, बस। बेबी को फसाया, गुरु नाबालिग को फुसलाया। नाबालिग? तभी बेबी बेबी तो कह रहे हो तुम। नाम की बेबी है वो, है तो वैसे बेबा, उसने मुझे फसाया, मैंने उसे नहीं फसाया। अरे हम कैसे मान लें? तो कैसे मनाऊं? ऐसा करो, बेबा से मेरा मतलब बेबी से एनओसी ले आओ। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट? हाँ, लिखवा लाओ कि लाइसेंस नंबर 1007 जिस पर पप्पू पहलवान का हक था, मेरे पिताजी पप्पू पहलवान जिस पर मेरा हक है, उनके मरने के बाद लाइसेंस मेरे हक में है, मैं बीवी जिस पर मुसद्दीलाल ढूट का हक है, अपने हक का लाइसेंस मुसद्दीलाल ढूट के हक में करती हूँ, बस। अरे भाई साहब, आप तो हमें हक्का बक्का कर रहे हैं। क्यों? देखिए ऐसा हकनामा तो मैं नहीं ला सकता। क्यों क्यों नहीं ला सकते? नहीं बेबी लिख नहीं सकती ना। पढ़ी लिखी नहीं है क्या? नहीं नहीं। तो फिर क्यों नहीं लिख सकती? वो मर चुकी है। बेबी मर गई? आप बेबी को जानते थे? नहीं नहीं। बेबी मर गई तो आपने ऐसे कहा जैसे आपको बहुत बड़ा सदमा लगा। नहीं सदमा तो आपको लगेगा क्योंकि ये लाइसेंस कैंसिल होगा। क्या? क्योंकि इस लाइसेंस का कोई वारिस नहीं है ना। अरे कैसे वारिस नहीं है, मैं हूँ ना। अरे आपकी होनिस क्या होता है? क्यों नहीं होता है, मेरी बीवी की हर चीज मेरी हो सकती है, तो लाइसेंस भी तो मेरा होगा। इसकी तो जांच होगी। जांच कैसी? कहीं आपने लाइसेंस के चक्कर में बेबी का लाइसेंस तो नहीं कर दिया। कैसी बात कर रहे हैं आप? बेबी मरी कैसे थी? जी छत से गिर के। धक्का दे दी थे क्या? अरे नहीं भाई, वो कपड़े सुखा रही थी तो साबुन पर से पैर फिसल गया। बस साबुन प्लांट था। प्लांट नहीं किया था, ये एक एक्सीडेंट था। हम कैसे माने, कोई पुलिस रिपोर्ट है? नहीं पुलिस में रिपोर्ट क्यों दर्ज कराऊं मैं, नहीं पुलिस की कोई रिपोर्ट नहीं है। ना भैया ना, ये तो गलत है, इस केस में हाथे नहीं डालना भैया। क्या हुआ शुक्ला जी, लंच वंच नहीं करना क्या? लंच हो गया क्या? अरे हमारा तो तीसरी बार हो गया भाई। अरे पटेल पटेल, लंच कराओ भाई। जी देखिए शुक्ला जी, मेरी बात तो सुनिए एक सेकंड। कैसी बनी है बिरयानी? अरे बड़ी खूंखार है। शुक्ला जी मेरी बात तो सुनिए, भाटिया साहब जरा बोलिए ना यार। चलो भाई साहब चलो। अरे एक सेकंड बात तो कर लेते शुक्ला जी से। अरे पटेल जी से जाके बात करो, पटेल इनको बाहर ले जाके बात कर लो ना। पटेल तो वही दूसरे के आंगन में नाच रहे हैं आप, मतलब दूसरे के लाइसेंस पर दुकान लगाए बैठे हैं। तुम्हें कैसे पता? भाई आपने तो बताया। मैंने कब बताया? अभी बताया ना अंदर। वो तो अंदर बताया ना। हाँ तो मैंने सुना। अच्छा मतलब तुम अंदर की सारी बातें बाहर सुनते रहते हो। क्या है, सुननी पड़ती है, आदत है पहले से। क्या है, ताकि कस्टमर को बार बार सेम टू सेम वापस रिपीट ना करना पड़े। भाई आपका केस तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड? हाँ आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, एक झटका दूंगा सब ठीक हो जाएगा। बताइए कि आप झटका देंगे किसको? आपको और किसको? दो 5,000।
दिया ना क्या दिया ना, गिरो मत बोलो कब लाके देते हो? क्या 5,000? वैसे आपको देखने में क्या लगता है, मैं बेवकूफ हूँ या गधा? दिखने में तो ऐसा कुछ नहीं लगता, मगर क्या है आपके पास एनओसी है ना, तो देना पड़ेगा ना। अरे भाई एनओसी नहीं है इसीलिए तो शुक्ला लटका रहा है। नहीं वो जो एनओसी नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरे एनओसी की बात कर रहा हूँ। अरे एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना? नहीं नहीं मेरा एनओसी मतलब नो ऑप्शन सर्टिफिकेट। आपके पास 5,000 देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? 5,000 रुपया तो मैं नहीं दूंगा। देखो भाई प्यार से मान जाओ वरना दो बातें हो जाएगी, या तो आपकी बीवी के मरने की जांच होगी या तो नहीं होगी, नहीं हुई तो लाइसेंस गया, और हुई तो दो बातें होगी, या तो कत्ल का केस निकलेगा या तो एक्सीडेंट का। एक्सीडेंट का निकला तो ठीक बच गए, मगर कत्ल का निकला तो दो बातें होगी, या तो जेल होगी या तो फांसी होगी। जेल हुई तो भी ठीक है, मगर फांसी हुई तो फिर लिपस्टिक नेल पॉलिश अंडरगारमेंट्स ये सब ऊपर जाकर बेचोगे क्या? ये लिपस्टिक नेल पॉलिश अंडरगारमेंट्स ये सब मैं ऊपर बेच लूंगा, पर 5,000 रुपए नहीं दूंगा। ये तो गलत है ना, फिर आप समझते हैं कि कुछ भी बिना खाए हम आपका काम कर लेंगे, तो ये तो गलत है ना। करना पड़ेगा, जब मैं पुलिस की रिपोर्ट ला के दूंगा ना तब। ले जाओ सामान ले जाओ अपना। पांडे जी ये चादर तो बहुत हल्की है, सामान थोड़ा कम। शुक्र करो चादर में कुछ सामान तो है, कईयों को तो खाली चादर भी नहीं मिली है। अच्छा भाटिया जी अब दुकान कहाँ लगाऊं? अरे कहीं भी लगा लो यार, साफ सुथरी जगह देख के जाओ। आजा बेटा आजा आजा आजा, गोकुल नारायण बेटा आजा आजा। पांडे ये इंस्पेक्टर गोकुल नारायण है। अरे मुसद्दी इंस्पेक्टर के साथ हो तो इसका मतलब ये नहीं कि पांडे के आगे जीने लगाओ, समझे? अरे पांडे जी आओ आओ बैठो बेटा, ये मेरा भांजा है इंस्पेक्टर गोकुल नारायण। नमस्ते पांडे जी। ये भाटिया साहब। नमस्ते भाटिया साहब। पांडे जी ये फाइल बड़े साहब ने भेजी। ये पटेल साहब। नमस्ते पटेल साहब। ये कौन है? मैं देख नहीं रहा, पुलिस वाला है? दिखता नहीं है तभी तो पूछ रहा हूँ। क्या ये पुलिस वाला इतना झुक के नमस्ते करता है क्या? हमें तो डाउट होता। क्यों भाटिया? नकली है, नकली, इसका आई कार्ड चेक करो। गोकुल बेटा जरा अपना आई कार्ड निकाल के दिखा देना। जी मामा जी। हाँ अब पता चलेगा तुम लोगों को। ये तो असली है, सॉरी इंस्पेक्टर साहब सॉरी। आप कुछ खाएंगे पिएंगे? पटेल जरा। नहीं 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 मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, मैं तो बस मामा जी का काम करने आया था। यार ये तो किसी एंगल से पुलिस वाला नहीं लगता। ये तुम लोगों जैसा नहीं है ना। गोकुल बेटा जरा इनको बता देना कि तेरी मामी बेबी की जो डेथ हुई थी वो बस एक एक्सीडेंट थी। बता बेटा। बस वो तो एक हादसा था, मैंने 2 दिन में रिपोर्ट लिख दी थी, और ये देखिए मैं लाया भी हूँ। 2 दिन में? अरे आप तो कहीं से भी पुलिस वाले नहीं लगते। अच्छा ये रही रिपोर्ट की कॉपी। अरे पर इस पर इसके साइन चाहिए ना। हाँ। लाइए कहाँ करने साइन? ये लीजिए पेन। नहीं है मेरे पास। अरे यार तू पुलिस वाला है भी है नहीं? ये तो कहीं से भी पुलिस वाला नहीं लगता। अच्छा गोकुल बेटा साइन करो, तुम साइन करो। मामा जी हाँ। साइन करने के 1,000 रुपए लगेंगे। क्या तू मुझसे रिश्वत मांग रहा है बेटा? मामा जी कहीं से तो लगना चाहिए कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, वरना फिर हम लोगों को डाउट हो जाएगा, तो फिर आपके छोड़ के इसकी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ये ले बेटा ये ले 101 रुपया बस। नहीं मामा जी 1,000 रुपए से कम नहीं चलेंगे। मेरे बच्चे मेरे लाडले देख, तुझे रिश्वत लेने का शगुन ही करना है ना, तो मैं तेरे को 101 रुपए दे रहा हूँ ना बस। नहीं मामा जी एसोसिएशन को पता लग गया तो मेरी प्रमोशन रुक जाएगी। पर बेटा। नहीं मामा जी ये पुलिस वाला है, पक्का पुलिस वाला है, 100% असली है। थैंक यू मामा जी, पैसे दे रहे हो या जाऊं? ये ले 1,000 रुपया ये ले और साइन कर, तुम लोगों को तो मैं देख लूंगा। थैंक यू, आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। अरे आंखें नहीं, हमने आपके अंदर के पुलिस वाले को जगा दिया। भाई 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 भाई। अच्छा मामा जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। लीजिए लीजिए वहाँ देखिए रिपोर्ट है अब आपके पास, अब तो दुकान पे मेरा हक है। ये बताने का हक हमें नहीं है। तो किसे है? ये सिर्फ मेरा हक है। तो मैं आपकी दुकान ले जा सकता हूँ? नहीं ये मेरा हक नहीं है। अभी तो आपने कहा कि आपका हक है। देखिए भाई साहब दुकान आपकी है या नहीं ये बताने का हक मेरा है, लेकिन आप अपने दुकान ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते ये हक मेरा नहीं। तो किसका है? ऊपर वाले का, जब वो हमें ऑर्डर देगा तब हम आपको ऑर्डर देंगे। तो वो ऑर्डर कब देगा? जब आप मनी ऑर्डर देंगे। क्या? हाँ फाइन। तो फाइन किस बात का? मेरी दुकान तो लीगल है। अरे जब पकड़ी गई थी तब तो लीगल नहीं थी ना? तब भी लीगल थी। लाइसेंस था? हाँ था, पर घर पर था। एक थी बेटा, कभी स्कूटर चलाए? हाँ एक बार चलाया था। तो फिर पुलिस पकड़े था? हाँ पकड़ा था। लाइसेंस था? हाँ घर पर था। पैसा दिया था? हाँ दिया था। बस अपने आप को चालक समझिए और अपने दुकान को स्कूटर निकालिए। फिर किस बात की? आए बात बात की नहीं, जल्दी निकालिए, बाहर लाइन लगा है। अच्छा कितने दूं? 1,000। 1,000 रुपया ये लीजिए। अब ये बताइए मेरी स्कूटर कब मिलेगी? स्कूटर? हमको ट्रैफिक हवलदार समझे हो क्या? अभी अभी तो ऐसे ही कह रहे थे जैसे ट्रैफिक हवलदार हो। अरे भैया वो तो हम उदाहरण स्वरूप कहे थे ना। ना उदाहरण चाहिए ना स्वरूप चाहिए, ये बता दो कि दुकान कब मिलेगी, कब आऊं? 5 दिन बाद आकर के पांडे जी से ले जाएगा। ओके
ओके सुनिए थैंक यू तो बोलते जाइए बोलता है मुंह पर मारता है भाई ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो देख रहा हूँ चिकना घड़ा कैसा होता है मैं चिकना घड़ा वो भी चटका हुआ क्या अरे कहा था 8-10 दिन में काम हो जाएगा पिछले 5 हफ्ते से यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ लेकिन आपके सर में जूं तक नहीं रहेंगी क्या चाहिए आपको क्या दे सकते हो तुम दे दूंगा तो काम कर दोगे मेरा ना बड़े बेशर्म आदमी हो यार बिना काम किए खाना चाहते हो कभी कभी ऐसे भी खिला दिया करो तुम मेरा काम कर दो तो ऐसे तो क्या मैं वैसे तैसे भी खिला दूंगा फाइल मेरे पास आए तब ना करूं किसके पास से आएगी फाइल उषा जी के पास से अरे पहले मेरे पास तो आने दो मतलब अभी तक आपके पास आई नहीं यही तो कहाँ आई कमाल है 1.5 महीने से मैं यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ 5,000 रुपए का मेरा सामान है 5,000 रुपए की मेरी दुकान है 3,000 रुपए मैं अभी तक खर्च कर चुका हूँ ये कोई तरीका तुम्हें क्या लग रहा है मैंने पैसे खाए खाए हैं मैंने पैसे सच बोलो मैंने पैसे खाए हैं क्या नहीं नहीं मैडम आप ही इस ऑफिस में एक हैं जो ईमानदार हैं बाकी तो सबने खाए हैं तुमसे तो इतना भी नहीं हुआ कि खिला दे खिलाने को तो मैं खिला दूं आप मेरा काम कर दो मैं खिला दूंगा नहीं नहीं मैं घुस नहीं लेती हूं अच्छा मतलब जैसे मेरा भारत महान वैसे मेरी उषा महान मेरा सामान खरीदोगे हैं जी मेरा सामान खरीदोगे ये लेडीज आइटम नेल पॉलिश लिपस्टिक बिंदी वगैरह ये हाँ तुम्हारी दुकान में बेच सकते हो ना तुम मेरी दुकान में तो फटाफट बिक जाता है देखो ये 2 डजन नेल पॉलिश है 20 रुपए के हिसाब से इसके हुए 480 ये 10 रुपए के हिसाब से 50 लिपस्टिक से 500 रुपए हो गए और ये बिंदी का पैकेट चलो सब मिलके 100 रुपया हुए 1100 रुपए कैसी बात कर रही है मैडम आप ये लिपस्टिक 5 रुपए में बिकती है और ये नेल पॉलिश 6 रुपए में और बिंदियां तो हम अपनी दुकान पे ऐसे ही मुफ्त में दे देते हैं ये तुम्हारी दुकान का माल है लगता तो ये मेरी दुकान का माल है लेकिन मैं कह कैसे सकता हूँ क्योंकि इसे तो आप बेच रही हैं ये इंपोर्टेड है इंपोर्टेड लेते हो क्या नहीं लूंगा तो क्या फाइल आगे नहीं बढ़ेगी नहीं नहीं मेरे मन में ऐसी कोई बदले की भावना नहीं है फिर तो नहीं लूंगा अब आ रही है क्या मैडम बदले की भावना एक काम करो ना 100 रुपए कम कर दो बस 1,000 रुपए में नहीं देखिए अच्छा चलिए फाइनल कर लेते हैं लास्ट 500 रुपए 900 से एक पैसा कम नहीं लूंगी तो मुसीबत है ना तो मुसीबत अच्छा चलिए ठीक है ले लेता हूँ मैं चलो चलो उठाओ सब मेरी फाइल क्या भाई साहब फाइल यहाँ सदियों से पड़ी है और आप क्या मैं तो पांडे जी के चक्कर लगाता रहा अरे फाइल हमारे पास पड़ी है चक्कर कहीं और नहीं सामान तो पांडे जी के यहाँ से ही मिलना है ना अच्छा लाइए 100 रुपए लाइए किस बात का 100 रुपए ऑटोग्राफ क्या अरे भैया ये फिल्म स्टार का ऑटोग्राफ थोड़ी है जो फ्री में मिलता है लाइए लाइए ये लीजिए लीजिए 100 रुपए और ये लीजिए ऑटोग्राफ देख लीजिए सही है ना हाँ बिल्कुल ठीक है ये फाइल मुझे दे दीजिए मैं ही ले जाता हूँ ना फाइल तो प्रोसीजर से जाएगी पटेल जी लो बेटा ये फाइल जो है ना उषा जी को दे देना जी आ धन्यवाद थैंक यू चलो चलो जल्दी चलो फिर लंच टाइम हो रहा है ना उषा जी फाइल आगे बढ़ा दूं मैडम साइन कर दीजिए प्लीज सिर्फ 2 ही लिपस्टिक बची है 100 रुपए ये लीजिए थैंक यू साथ साथ में पांडे जी का भी 100 रुपए निकाल लो ये लो पांडे जी कहाँ साइन करना है यहाँ कर दीजिए सर ठीक है अब तो सामान मिल जाएगा ना मेरा पटेल इनका सामान निकलवाओ अरे आओ ना भाई अभी 1 घंटे के बाद लंच टाइम हो गया अरे 2 मिनट में सामान निकल आएगा आ जाओ भाई अरे भूख लगी है पहले खा लेते हैं ना मैं खिला दूंगा तुम्हें आओ तो अरे भूख अभी लगी है खिलाओगे बाद में ये चलो चलो फटाफट सामान उठाओ चलो फटाफट मेरा सामान कहाँ है यही है आपका सामान ये कचरा अरे यही तो है आपका सामान अच्छा मतलब आपके कहने का ये है कि मैं कचरा बेचता हूँ भैया अब हम देखने थोड़ी जाते हैं क्यों कर दी यही तो क्या 5,000 रुपए का सामान था मेरा उसमें लिपस्टिक थी नेल पॉलिश थी और लेडीज के अंडरगार्मेंट्स थे ठीक वैसा ही जैसे मैंने आपसे खरीदा था घूर क्या रहे हो आपने क्या आपने क्या आपने कहना क्या चाहते हो तुम्हारा माल निकाल के मैंने तुम्हें बेच दिया है हाँ और नहीं तो क्या तभी तो वो सारा का सारा माल बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था मुझे दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा एक तो बिना रिश्वत के काम किया मैंने इसका ऊपर से चोरी का इल्जाम किसी की भलाई करो तो यही होता है बोलो बोलो अरे आप क्या कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा पान थूक के बोलिए कह रहे हैं मैडम को सॉरी बोलो अरे मैं सॉरी क्यों बोलूं भाई सॉरी बोलो अरे भाई मेरा सामान ये तो गलत बात है ना लेडीज की इंसल्ट करते हो चलो सॉरी बोलो अच्छा ठीक है सॉरी माफ कर दीजिए एक शर्त पे करूंगी किस शर्त पे 3 डजन नेल पॉलिश और 2 डजन लिपस्टिक खरीदने होंगे जी Oh,